आज का जो टॉपिक है आज तक किसी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई लेकिन हम बना रहे हैं PHA वर्सेस रोड हाई राइज। ये एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च होने जा रहा है। आपने इससे पहले PHA जरोजे का नाम सुना होगा, ठीक है। और इससे पहले PHA ने अपने हाई राइज वगैरह लॉन्च किए थे जो कि स्टी ऑर्डर के सराउंडिंग्स में आ गए थे और उसके ऊपर मजीद काम नहीं हुआ और वो अभी तक स्टक पड़े गए। लेकिन ये एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च होने जा रहा है PHA हाई राइज वर्सेस रोड के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो लैंड है वो ऑलरेडी क्लियर है, NOC अप्रूव है, कोई मसले नहीं है। ये जो टोटल लैंड है, इसका जो टोटल रकबा है वो 5 कनाल 11 मरले के ऊपर मुश्तमिल है। इसके बाद इसकी जो लोकेशन है वो मेन वर्सेस रोड के ऊपर है, पेशावर से काफ़ी, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से देखते हैं काफ़ी एक्सेसिबल पॉइंट बनता है, सदर से काफ़ी एक्सेसिबल पॉइंट बनता है। और यहाँ पे हाई राइज लॉन्च होगा जिसके अंदर फ्लैट्स, ऑफिसेज, गवर्नमेंट के इसके अंदर शामिल होंगे। अभी हम आते हैं इसके प्राइस के हवाले से, इसकी बैलेटिंग के हवाले से बात करेंगे, इसकी जो डेडलाइन है वो कब है और कितने प्राइस का ये लॉन्च होगा। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ए जो कि 1400 स्क्वायर फुट के ऊपर मुश्तमिल है, कैटेगरी ए 1400 स्क्वायर फुट के ऊपर मुश्तमिल है जिसकी टोटल कीमत 1,19,13,736 रुपये है। मतलब 1,19,14,000 रुपये आप समझ लो, ठीक है। कैटेगरी बी की जो बात है वो 920 स्क्वायर फुट के ऊपर मुश्तमिल है जो कि 78,30,000 रुपये बनते हैं, 78,30,000 रुपीज। उसके बाद कैटेगरी सी की बारी आती है, वो बनता है 46,80,000 रुपये। अच्छा, अब इसकी जो अप्लाई करने का तरीका है वो है बैंक ऑफ खैबर से, किसी भी बैंक ऑफ खैबर के ब्रांच से आप फॉर्म्स उठा सकते हैं। और जितनी भी पेमेंट मैंने आपको बताई है इसका 10% जो है ना आपने उस फॉर्म को वो चालान के एवज जमा कराना है, जैसे कि पिछली बार PHA जरोजा में हुआ था जो कि 5 मरले की जो कीमत 9,30,000 रुपये में आई हुई थी, आपने 93,400 रुपये समथिंग जमा कराए थे, आपने अप्लीकेशन जमा कराई थी और आफ्टर सम टाइम जब उसकी बैलेटिंग हुई तो आपका, अगर इन केस आप सक्सेसफुल हो गए, आपका प्लॉट निकल आया, तो वो आप उसको प्रॉफिट में बेच सकती हो। और अगर आपका नाम नहीं निकला तो वो चीज़ आपकी आपको रिफंड हो जाएगी। इसी तरीके से इसका भी जो 10% बनता है जो कि 1400 स्क्वायर फुट की जो चीज़ है उसका बनता है 1,20,000 रुपये, जो 920 स्क्वायर फुट की जो बनता है, जो डाउन पेमेंट बनती है वो है 7,80,000 रुपये। और जो कैटेगरी सी जो कि 550 स्क्वायर फुट की जो जगह है वो है 4,60,000 रुपये। अगर इनकेस आप सक्सेसफुल होते हैं तो ये चीज़ आपको होप्स हो इसके ऊपर एक बहुत ही भरपूर किस्म का ऑन आ सकता है, जिस तरीके से आपने देखा था कि लास्ट टाइम जब PHA जरोजे की जब बैलेटिंग हुई थी, लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया था, कनाल के ऊपर जस्ट ऑन 40-40 लाख रुपये तक वो पहुँचा था। उसके बाद जो 10 मरला के ऊपर जो ऑन था वो 20-25 लाख रुपए और 5 मरले का जो ऑन था वो 14-16 लाख रुपए के ऊपर पहुंचा था। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस डेड मार्केट कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हो। और जब PHA जलोजे इतना सक्सेसफुल चला गया था तो फिर हर बंदा PHA में काफ़ी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था कि PHA स्वाद कब लॉन्च होगा, PHA के जो दूसरे अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो कब लॉन्च होंगे। तो वो वक्त आ चुका है, 30 सितंबर से पहले जो है ना आप बैंक ऑफ खैबर से अपना फॉर्म उठा सकते हैं, आप उसकी 10% पेमेंट जमा करा सकते हैं। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अगर आप गवर्नमेंट स्केल की हैं, ठीक है, स्केल 19 और इसके ऊपर सरकारी मुलाजमीन के लिए कैटेगरी ए रिकमेंडेड है, ठीक है। स्केल 16 से 18 मुलाजमीन के लिए कैटेगरी बी जो कि 920 स्क्वायर फुट बनती है, और कैटेगरी सी स्केल 1 से लेकर स्केल 15 तक सरकारी मुलाजमीन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जनरल बंदा है जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है,
तो वो किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। लेकिन कोटा उन लोगों के लिए है, अगर इसको हम कोटे की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कोटा उन लोगों के लिए है जो कि 19 स्केल या उससे ऊपर है, तो उनके लिए कैटेगरी ए जो कि 1400 स्क्वायर फुट बनता है, कैटेगरी बी जो कि 16 से 18 एक बार फिर मैं रिपीट कर लूँ, और कैटेगरी सी 1 से 15 स्केल के बीच में, ठीक है। और इसमें एक बहुत इन्होंने अच्छा पॉइंट ये रखा है कि आज से पहले जिन लोगों ने PHAs के जो प्रोविजनल हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और उनके प्लॉट्स निकले हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया हुआ है और ये आपका वहाँ पे निकल चुका है तो ये आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। इसकी एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि ये जो टोटल फ्लैट्स हैं ये कितने हैं। हर बंदा आपसे पूछ रहा है कि ये टोटल फ्लैट्स की जो क्वांटिटी है ये कितनी है, ये है 160। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स वेरी लिमिटेड, और PHA की चीज़ पे बहुत ही लिमिटेड आती है, जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम देखा था PHA की कुछ फाइल्स लिमिटेड आ जाती हैं, 100-200 आ जाती है, लेकिन 30-30 लाख फॉर्म जो है ना इसके अंदर लोग अप्लाई करते हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ KPK के लोगों के लिए है, क्योंकि जिसके पास KPK के सराउंडिंग्स में आते हैं उसके पास वहाँ का ही ID कार्ड होता है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो जलो जायका था उसमें हर बंदे ने अप्लाई किया था, अगर वो KPK से ना भी हुआ, लेकिन ID कार्ड मस्ट है, आपको KPK प्रोविंस का होना चाहिए, यहाँ के डोमिसाइल का आपको होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आप इसकी जो दरख्वास्त के साथ जो इसकी जो फीस है वो 2000 रुपये है, आपको जो फॉर्म मिलेगा वो 2000 का मिलेगा, उसको फॉर्म को आपको फिल करना है, फिल करने के बाद आपने अपनी जो है ना फोटो उसके ऊपर लगानी है, अपना एड्रेस देना है, नेम देना है, अपना ID कार्ड उसके ऊपर सबमिट कराना है, उसको अटेस्ट करना है, और इसके साथ साथ जो है ना उस चालान के ऊपर आपने 10% फीस 10% जो उसकी जो डॉक्यूमेंट बनती है वो आपको जमा करानी है। वो तकरीबन अगर 1 करोड़ 19 लाख का है तो वो 1 करोड़ 1 लाख 20 हज़ार रुपये आप जमा कराओगे तो आप कैटेगरी ए के लिए शामिल हो जाओगे। अगर आप कैटेगरी बी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है उसके लिए तकरीबन 78,000 रुपीज़ और कैटेगरी सी के लिए 46,000 रुपीज़ जो कि रिफंडेबल भी है। This is all about our video. Whether housing authority versus road high rise, मैं समझता हूँ इसमें बहुत बेहतरीन किस्म का घूम आ सकता है और इसका आते साथ ही जो है ना इसका मैक्सिमम प्रॉफिट तक इसकी बात जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिए।